गुड मॉर्निंग, ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। आज जो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कुछ सीसेट के और कुछ अलग पहलू पर कि आपको विश्लेषण किस तरह से करना है। विश्लेषण मतलब विशेषज्ञता किस तरह से हासिल करनी है। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ कि कुछ एक लोग कहते हैं मस्टरवा वाइसराय रटवाता होगा। वाइसराय क्यों रटवाता होगा? ये बात जब 6 महीने साल भर आप पढ़ोगे तब जाकर के आपको समझ आएगा। जब मेरे पास बच्चे आते हैं, गांव में मैं टीचिंग करता हूं, डेली बोल रहा हूं, तो जब आते हैं तो मैं उनको देखता हूं, पढ़ता हूं, समझता हूं और वो किस तरह से इस यूपीएससी, पहले बात तो यूपीएससी का नाम डर के ही कोई आना नहीं चाहता है। और जब मैं समझाता हूं तो उसको 2-3 दिन 4 दिन मुझे उसको समझाने में लगता है कि नहीं, ये इस तरह से, और यू कैन ऑल्सो डू। मैं इस तरह से बताता हूं। जैसे देखो, आपको बताऊं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अब जाति आयोग तो बन गया, नेशनल कमीशन बन गया, संवैधानिक दर्जा है इसको प्राप्त, लेकिन जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 सदस्य होगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, 5 लोग। राष्ट्रीय महिला आयोग का भी होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी होगा। अब देखो, यहां पर मैं कहना यह चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय जाति आयोग जो है इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो उसी वर्ग से आएंगे। अब जैसे देखो, अल्पसंख्यक आयोग, इसमें जो लोग होंगे या अध्यक्ष होंगे उसी वर्ग से आएंगे। तथा कथित हमारा समाज जो है, आप समझने का प्रयास करो, अनटचेबिलिटी क्या है, अस्पृश्यता क्या है, अस्पृश्यता सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशा है। अब मनोवैज्ञानिक दशा का मतलब क्या हुआ? अब एक बात बताओ, अगर SC को सरकार जंगल में डाल दे और जंगल को SC में डाल दे तो सरकार के अनुसार विधिवत रूप से तो उसको डाल दिया गया, लेकिन क्या मनोवैज्ञानिक रूप से समाज उसको एक्सेप्ट करेगा? समझने की आवश्यकता है कि आपको किस तरह से चीजों को पढ़ना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ लोग पहले आए, बहुत अच्छा सीखे और उनको 2-6 महीने सीखने वाले लोग बता रहे हैं नहीं नहीं बाबू ऐसे होगा वैसे होगा, तो इन्फेक्चुएशन, अट्रैक्शन। और कभी कभार क्या होता है, एक सिंपल सा बात बताऊं कि लोगों के दिमाग में भ्रम क्या बैठ जाता है। देखो, कोई इंसान है, एक लड़का है और एक लड़की है, ये लड़का क्रिमिनल है मान लो, ऐसा उदाहरण मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है, ये लड़की इससे अट्रैक्ट हो गई, जब अट्रैक्ट होगी तो वो क्रिमिनल रहे चाहे कुछ भी रहे, इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक हमारे आसपास ही एक लड़का मैंने देखा 2-3 साल पहले, वो प्यार मोहब्बत में तो इस तरह की घटना कर लिया, लेकिन लड़का मारा गया। तो क्रिमिनल्स ही होते हैं। आप समझने का कोशिश करें कि आपको सिलेक्शन किस तरह से करना है। चलिए हम एक बात और बताते हैं यहां पर आपको कि यहां पर क्या है कि GDP के बारे में कहीं कुछ बात कर रहा है। अब GDP है क्या, कौन सी चिड़िया है GDP, GDP किसे कहते हैं? तो GDP किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में, मतलब एक साल में, वित्तीय वर्ष आप समझते हो, किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में आर्थिक सीमा के अंतर्गत। अब आर्थिक सीमा क्या है, अभी 2 मिनट बाद बताता हूं आर्थिक सीमा क्या है, के अंतर्गत जितने भी अंतिम उत्पाद बने हैं उनका मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू जो बनेगा उसको हम GDP बोलेंगे। अब मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि ये जो GDP शब्द आया कहां से आया, 1929 का महामंदी का दौर। अब देखो, अभी जो बताया कि वाइसराय रटवाता है 1929 से, उसका जवाब यहां पर है कि 30 तक महामंदी का दौर गुजरा। अब महामंदी का दौर गुजरा तो उस समय बहुत अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व का अर्थव्यवस्था का उठापटक हो गया। तो 2 अर्थशास्त्री आते हैं, एक किन्स आते हैं और एक जॉन वाइट्स करके नाम है उसका, वो आते हैं। जॉन किन्स ब्रिटेन के होते हैं और डेक्स्टर व्हाइट होता है जो USA का होता है। 2 अर्थशास्त्री ये जब आते हैं तो विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से ऐसी अर्थव्यवस्था जो पटरी पर नहीं है उसको पटरी पर कैसे लाया जाए। अब देखो, मैंने अपने क्लासेज में बहुत IMF कब बना, WTO कब बना, मतलब शुरुआत में इस तरह की चीजें हमेशा रटवाने की, मतलब दिमाग में बिठाने की कोशिश करता था। तो उसी दरमियान 1944 के आसपास, 1944 में ही USA में एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 2-3 बातें निकल कर आई। और उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शामिल हुआ, हर देश का राजनीतिक व्यक्ति,
और पहली बात जो कही गई वो कहा गया कि अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, मतलब विचार विमर्श किया गया। दूसरी बात कही गई आईबीआरडी और आईडीए बनेगा, और तीसरी बात कही गई कि ये जो जीडीपी का निर्धारण है, हालांकि जीडीपी का निर्धारण 1860 से चल रहा है, मानक नहीं तय हो रहा था, तो ये जो जीडीपी का निर्धारण है इसका मानकीकरण किस आधार पर आप जीडीपी को कैलकुलेट करोगे, इसके लिए आईएमएफ बनाया गया, और आईएमएफ यहां पर बनाया गया। और दूसरी बात, आईएमएफ कब बन रहा है, 1944 में, पहले बता दिया हूं, ये कनेक्ट करने की चीज है। आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा। दूसरा, अभी एक और बात बताया तो बता ही देता हूं यहां पर कि आर्थिक जीडीपी में बता रहा था, आर्थिक के बारे में, सीमा के बारे में क्या है, तो आर्थिक सीमा के मतलब, सीमा का मतलब हुआ कि देश के आर्थिक सीमा का मतलब हुआ, एक सेकंड, देश की राजनीतिक सीमा के अंदर, देश की राजनीतिक सीमा के अंदर जितना भी वस्तु बना। दूसरी बात, देश की सामुद्रिक सीमा के अंदर, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स, और दूतावास। अब आप लोग बताइएगा कि दूतावास जो, जैसे इंडिया का दूतावास अमेरिका में है, तो अमेरिका के जीडीपी में जुड़ेगा या इंडिया के जीडीपी में जुड़ेगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताना। हालांकि कोई करेगा नहीं क्योंकि मैं एक छोटा मास्टर हूं, लेकिन फिर भी अब देखो जीडीपी के बारे में थोड़ा सा आपने समझ लिया, वित्तीय वर्ष में दिस डेट आपने समझ लिया। अब देखो किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, आपके जीएस के नॉलेज को यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर जीडीपी की बात है। चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, जीडीपी पढ़ेंगे ही नहीं। आप मुझे ये बताइए, राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री बी अ डेवलप्ड कंट्री। राइजिंग जीडीपी मतलब किसी देश का जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो डेवलप्ड हो रहा है। अरे भाई साहब, ये कोई जोड़ी थोड़ी ना है, किसी देश का जीडीपी अच्छा भी होगा तो कोई जोड़ी नहीं है, कोई बढ़ रहा है। राइजिंग जीडीपी गारंटी, याद देखिए गारंटी, अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हाउसहोल्ड, हर एक घर में, मतलब पैसा गजब वाले, गारंटी देगा क्या, दोनों के दोनों गलत। देखो किस तरह से सीसेट के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया जीएस के एनालिसिस के अनुसार। एक और आपको दिखाता हूं मैं क्वेश्चन, जिससे आप आश्चर्य करोगे कि सीटेट सीसेट को किस तरह से एनालिसिस किया जाता है। चलो यहां देखो, यहां पर बात किया जा रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। कुछ नहीं, मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया और मैं दो पार्ट कर रहा हूं, यहां पर कर रहा हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स और यहां पर कर रहा हूं माइक्रो, और इसको समष्टि बोलते हैं और इसको व्यष्टि बोलते हैं। यहां जो समष्टि है मैक्रो, ए से याद रखना मैक्रो, यहां पर क्या होता है समष्टि में कि पहले व्यय को समझते हैं, उसके बाद हम उस आधार पर आय के स्रोतों का निर्धारण करते हैं। मतलब क्या हुआ, यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक इकाई के रूप में माना जा रहा है, मतलब यहां पर जो भी इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगा, जो भी मौद्रिक वैल्यू होगी, महंगाई होगी, इन सब को कौन देखेंगे। मैक्रो में क्या होता है, इसमें कंपनी होगा, इसमें व्यक्तिगत लोग होंगे, इसमें परिवार होगा, कोई फर्म होगा, मतलब कुल मिलाकर के ये पहले आय के स्रोतों का निर्धारण करता है और उसके बाद क्या करता है, आकलन करता है। तो मैक्रो, और हमें पढ़ना क्या है यूपीएससी में, इसकी ज्यादा महत्ता है या इसकी महत्ता है, पहले इस बात पे गौर करो, ये सरकार की चीजों की ज्यादा महत्ता है या मैक्रो की। तो मैक्रो नहीं पढ़ना है, माइक्रो पढ़ना है, क्योंकि कंपनी वगैरह किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा हमें जानना है, हालांकि इसको नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। अब देखो इसी ज्ञान की बदौलत हम इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, रुपए पैसे की बात होगी तो कहां जाएगा, यहां पर मैंने मैक्रो किया और यहां माइक्रो किया, और यहां पर मैक्रो की बात हो रही है, माइक्रो की बात हो रही है, हमें माइक्रो जानना है, यहां माइक्रो है ना क्वेश्चन में, एक मिनट, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के बारे में बात कर रहा है, तो मैक्रो की बात कर रहा है, यहां मैक्रो लिखा मैंने और यहां क्या लिखा, माइक्रो। तो मैक्रो को समझना है तो फाइनेंशियल किसमें आएगा, ये इसमें आएगा, रुपए पैसे की बात, कंपनी के पैसे पैसे बात यहां आएगा, तो चार ऑप्शन गया। मार्केट इकोनॉमी सेम बात, मार्केट की बात किसमें करेंगे, माइक्रो में, हमें मैक्रो पे जाना है। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट, अरे भाई साहब फिर फाइनेंशियल मार्केट नहीं, ये फिर से किसमें जाएगा, माइक्रो में। अब आइए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें जानना है मैक्रो के बारे में, और मैक्रो में क्या आता है, बैंक वगैरह आता है, इन्फ्लेशन वगैरह आता है, ऑटोमेटिक बैंक उससे जुड़ेगा, तो सेंट्रल बैंक कैन नॉट वर्क
इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट, यही बैंक से रिलेटेड चीजें आएंगी और यही आंसर होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों कि सीसेट के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, आप इस बात को समझने का प्रयास करें। एक और चीज आपको दिखाता हूं, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन आप समझिए, करीब 30-35 साल पुराना क्वेश्चन है। व्हाट इज द ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी क्या होगी? यहां देखिए आप ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, मतलब नन। इस बार जो यूपीएससी ने नया शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया और एग्जाम देकर आए हुए बच्चे कहते अरे भाई साहब ये क्या हो गया, ये नया नहीं है दोस्तों, ये पुराना है, उसी को रिपीट किया है यूपीएससी ने। इंपोर्ट ओरिएंटेड कोई ट्रेड पॉलिसी बनाएगा सिर्फ इंपोर्ट करने के लिए, गलत बात। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, गलत बात। ऑटोमेटिक आंसर क्या निकल जाए, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे हम उस सामान को भेजेंगे पैसा कमाएंगे, एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब इंपोर्ट कम करे उसके जगह अपना सामान पर बढ़ावा दे, ये आंसर आएगा। चलिए यहां एक और देखते हैं, ऑल मशीन्स मेक नॉइस, क्या सारा मशीन नॉइस करता है? बिल्कुल गलत बात। सम मशीन्स आर नॉइज़ी, हाँ ये हो सकता है। नो मशीन्स मेक नॉइज़, सरासर अन्याय। और सम मशीन्स आर नॉट नॉइज़ी, ये हो सकता है। तो दो और चार कहां है, आप समझिए ये किस तरह से जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस तरह से सीसेट के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कोशिश करता हूं डेली, उम्मीद करता हूं कि आप कुछ समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक यू।